बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, खुश रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूंगा एजुकेशन की, जो है वो आज लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शफकत महमूद साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है स्कूल ओपनिंग के हवाले से। उन्होंने कुछ तजावीज़ बयान की हैं, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका कुछ इम्पोर्टेंट उसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि जो आखिरी फैसला हमने जो फाइनल फैसला करना है वो 7 सितंबर को ही होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ जो तजावीज़ बयान किए हैं वो आपके सामने बयान करूंगा। पहला जो पॉइंट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्लास 1 से क्लास 5 तक जो हैं, उनको 31 सितंबर से बुलाया जाएगा। क्लास 1 से क्लास 5 तक जो हैं उनको 31 सितंबर से बुलाया जाएगा, और जो मिडिल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब के जो 6th, 7th और 8th क्लास है, उनको 21 सितंबर से बुलाया जाएगा। ये फाइनल फैसला नहीं है, तजवीज़ है। एक उन्होंने एक बात कही है, मतलब इस पर गौर हो रहा है, जो फाइनल फैसला होगा वो 7 सितंबर को होगा। तो जो अगली बाकी जो क्लास रहेगी 9, 10, 11, 12 उनको 15 सितंबर से बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस अगर मजीद बढ़ता है तो हम स्कूल को दोबारा ओपन नहीं करेंगे, मजीद छुट्टियाँ बढ़ेंगी, तो इसलिए उन्होंने आज ये कुछ जारी दी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे हमारे चैनल को न्यूज़ सोसाइटी जो हमारा चैनल है सोसाइटी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह।